बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोग से शेयर करेंगे मटन के सूखे कबाब की रेसिपी। इसे चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, इससे आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मटन के सूखे कबाब बनाने के लिए यहाँ पर हम 3 किलो मटन ले लेंगे। जिस शॉप से हमने मटन लिया है वहीं पर हमने इसके कबाब बनाने कराए हैं इस तरह से। अब हम इसे अच्छे से धो लेंगे और इसे अच्छे से धोकर एक छन्नी में डालकर रख देंगे 2 से 3 घंटों के लिए। छन्नी में डालने से गोश्त में का सारा पानी निथर जाएगा और कबाब सूखने में आसानी होगी। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून नमक, 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो अब देखिए सारे मसाले गोश्त में अच्छे से मिल चुके हैं। अब ये कबाब रेडी है सुखाने के लिए। हम इसे डोरी रस्सी या तार पर सुखने के लिए डाल देंगे। जिस तरह से हम कपड़े सुखाते हैं उसी तरह से हम एक एक लट सुखने के लिए डाल देंगे। अगर आप इसे धूप में सुखा रहे हैं तो ये 2 से 3 दिन लगेंगे इसे सुखने के लिए। अभी तो बारिश का मौसम है इसलिए हम इसे फैन के नीचे सुखाएंगे। फैन के नीचे हम इसे 4 से 5 दिन के लिए सुखने के लिए रख देंगे। तो अब देखिए 4 से 5 दिन हो चुके हैं, कबाब अच्छे से सूख चुके हैं। अब हम इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम सारे कबाब के छोटे छोटे से पीसेस कर लेंगे। अब हम आपको इसे फ्राई कर भी बताएंगे। यहाँ एक कढ़ाई में हम तेल गरम कर लेंगे। तेल अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे और इसके अंदर कबाब फ्राई करेंगे। इस तरह से हिलाते हुए हम कबाब को फ्राई करेंगे। आप इसे दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, किसी भी सालन में इसे डालकर बना सकते हैं, बहुत ही मजेदार बनता है। तो देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। आप इसे 1 साल के लिए स्टोर कर रख सकते हैं। सो इस रेसिपी को आप लोग एक बार ट्राई जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।